तो कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों? गाइस ये बात हम सभी जानते कि टेक्नो गेमर्स ने चूचू चार्ल्स को बहुत बुरी तरह मारा था, लेकिन वही चूचू चार्ल्स रिस्पोन होकर आ रहे हमारे माइनक्राफ्ट में क्योंकि वो तबाह करना चाहता है हमारे टेक्नो गेमर्स के कासल को। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं बनाने वाला हूं अपने कुछ ऐसे खतरनाक डिफेंस हैक्स जिससे कि अपने टेक्नो गेमर्स के कासल को फुल प्रोटेक्शन मिल सके। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम उस चूचू चार्ल्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह हराएं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और आ जाओ वीडियो अंदर। तो जरा ये देखो, टेक्नो गेमर्स के कासल के बाहर थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ी बढ़िया सी प्रोटेक्शन करनी होगी। लेकिन उससे पहले जरा इन फेंसेस को देखो, एक है भाई तगड़ी सी कांटे वाली फेंसेस और एक है माइनक्राफ्ट की नॉर्मल सी फेंसेस। और जो ये कांटे वाली फेंसेस है ना, ये बहुत ज्यादा तगड़ी है, सामने वाले को बहुत तगड़ा डैमेज देती है। तो मैं बिल्कुल इस जगह से ये कांटे वाली फेंसेस को लगाने वाला हूँ जिससे कि वो चूचू चार्ल्स यहाँ से बहुत ज्यादा ही डैमेज खाए, और साथ के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी ज्यादा फेंसेस लगाने वाला हूँ जिससे हमको अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ी फेंसेस मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके, एक साइड का काम तो हो चुका है एंड साथ के साथ अब मैं यही वाली फेंसेस दूसरी साइड भी लगाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ी फेंसेस मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। एपिक भाई, जरा ये देखो, ये कांटे वाली तगड़ी सी फेंसेस ने अच्छी प्रोटेक्शन तो कर दी है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर और भी कुछ लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भाई ये लकड़ी की बड़ी बड़ी फेंसेस लगा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ। थोड़ा यहाँ पर भी लगा देते हैं। एपिक भाई, सब बढ़िया काम चल रहा है। और ये हो जाने के बाद ना मैं इनके ऊपर भी कांटे वाली फेंसेस लगा देता हूँ ताकि हमारा डिफेंस और ज्यादा बढ़िया आ जाए। और ऐसा ही सेम काम मैं दूसरी साइड भी करने वाला हूँ। ओके भाई, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये वाला साइड भी हमने कंप्लीट कर दिया। और जरा अब देखो भाई, एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन कर दी इन फेंसेस ने। लेकिन गाइज अभी भी हमको बहुत सारे डिफेंस बनाने पड़ेंगे क्योंकि चूचू चार्ल्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइज ये देखो, ये एक ऐसा केज है, अगर इसके ऊपर से कोई भी जाएगा तो वो बेचारा अंदर ही बंद हो जाएगा और उसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस केज का इस्तेमाल मैं बिल्कुल एंट्रेंस के गेट पे करने वाला हूँ क्योंकि भाई अगर चूचू चार्ल्स यहाँ से आने की कोशिश करेगा तो वो पक्का इस केज में फंस जाएगा। और इन्हीं केज को मैं जरा यहाँ पर भी लगा देता हूँ जिससे हमारी कासल की डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी और चूचू चार्ल्स के फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। एंड गाइस जरा ये देखो, ये हो चुका है कंप्लीट और भाई ये केज पक्का हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाले हैं। एंड अब मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं फेंसेस के सामने ना एक बड़ा सा पिलर बना दूं जिसके साइड में मैं सोल सैंड लगाने वाला हूं। और मैं ये क्यों कर रहा हूं ये तो आपको आगे ही पता चल जाएगा। एंड इन सोल सैंड के ऊपर मैं यहां पर ट्रैप डोर्स लगा देता हूं जिससे हमारा ब्लेज बाहर नहीं आ सके। सही सुना भाई, मैं इनके बीच में एक ब्लेज को स्पॉन करने वाला हूं जो चूचू चार्ल्स को अच्छा डैमेज करेगा। ये पिलर दिखने में तो खतरनाक लग रहा है, तो चलो इसको थोड़ा बहुत सुंदर भी बना देते हैं। मैं काम करता हूं, पिलर के बिल्कुल नीचे कुछ इस तरीके से स्टेयर्स लगा देता हूं, थोड़ी स्टेयर्स यहां पर आएगी एंड मैं यहां पर भी लगा देता हूं। और अब देखो लग रहा है ना एकदम बढ़िया। और हम एक और काम कर सकते हैं, मैं इस पिलर के ऊपर थोड़े बहुत बैनर्स लगा देता हूँ जिससे कि ये पिलर और ज्यादा खतरनाक लगे। बोले तो एकदम खतरनाक बिड़ू, लग रहा है ना एक नंबर का पिलर। और ऐसा ही सेम पिलर मैं दूसरी साइड भी बनाने वाला हूँ जिससे कि भाई ज्यादा ब्लेजेस के अटैक हो चूचू चार्ल्स पे। ओके लेट्स गो भाई, हमारे दोनों पिलर्स एकदम रेडी हो चुके हैं। लेकिन मैं एक और काम करता हूँ, पीछे की साइड भी और पिलर्स बना देता हूँ। अब देखो जरा, चार चार ब्लेजेस की प्रोटेक्शन मिलने वाली हमारे कासल को और ये ब्लेजेस पक्का चूचू चार्ल्स की बैंड बजा देंगे। वेल, अब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी एकदम तगड़ा बन चुका है। लेकिन यार चूचू चार्ल्स ना बहुत तेज भगता है, तो उसके लिए भाई हम मैग्मा ब्लॉक्स और हनी का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हमको डैमेज भी देते हैं और स्पीड भी स्लो कर देते हैं। तो मैं ब्लेजेस के टावर की साइड में कुछ इस तरीके से गड्ढे करने वाला हूं क्योंकि उन गड्ढों के अंदर ना मैं अपने कुछ मैग्मा ब्लॉक्स लगा दूंगा और कहीं कहीं पर मैं अपने हनी ब्लॉक्स भी लगाने वाला हूं। ओके नाइस भाई, थोड़े बहुत ब्लॉक्स यहां लगा देते हैं और ये वाला यहां आ जाएगा। नाइस। एंड जरा आप देखो, मैंने कितनी जगह मैग्मा ब्लॉक तो लगा दिए। एंड अब जो ये मैग्मा ब्लॉक के बीच में गड्ढे दिख रहे हैं, मैं इसके अंदर हनी ब्लॉक्स भरने वाला हूँ जिसका कॉम्बिनेशन एकदम तगड़ा बन जाएगा। ओके, तो ये काम भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। थोड़े बहुत यहाँ पर भी भर देते हैं एंड थोड़े बहुत यहाँ भर देते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। और जरा अब देखो मेरा डिफेंस कितना ज्यादा तगड़ा बना दिया है मैंने। एंड अब तो यार मेरे को चूचू चाल से ज्यादा डर भी नहीं लग रहा है। लेकिन थोड़े बहुत डिफेंसेस और बना देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कासल के ऊपर एक छोटी सी भी खरोच आए। तो माइंड से खतरनाक तो क्या
ही हो सकता है। ये देख रहे हो हस्क और माइन से जो धमाका हुआ है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो हमारे मैग्मा ब्लॉक्स है ना, उनके सामने काफी सारे गड्ढे कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि उन गड्ढों के अंदर मैं काफी सारे ऑब्सीडियन लगाने वाला हूँ। कुछ ब्लॉक्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और ऑब्सीडियन यहाँ पर भी लगा देते हैं इन गड्ढों के अंदर। और ये हो जाने के बाद इन ऑब्सीडियन के बिल्कुल बीच वाली लाइन पे मैं काफी सारी माइंस लगाने वाला हूँ। और अगर चूचू चार्ल्स इस पर कदम रखेगा तो भाई बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है। ओके, तो लगभग ये वाला काम कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर लगा देते हैं। बस भाई ये काम भी हो चुका है कंप्लीट और अब देखो हमारा डिफेंस और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो चलो माइंस का काम तो कर दिया हमने कंप्लीट, लेकिन मैं एक और काम कर देता हूँ। जो हमारी कासल वाली दीवार है ना, वहाँ पर तो हमने कुछ लगाया ही नहीं है, तो मैं वहाँ पर भी कांटे वाली फेंसेज लगाने वाला हूँ, जिससे कि चूचू चार्ल्स दीवार पे चढ़ के तो आ ही नहीं पाए। तो यार ये देखो हमने फेंसेज से इन दीवारों को भी कवर कर दिया है और अब तो भाई कासल और ज्यादा तगड़ा बनता जा रहा है। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर एक आर्मी खड़ी करने वाला हूँ। अब तक तो आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या करूंगा। मैं यहाँ पर बहुत सारे आयरन गोलम्स को स्पॉन करने वाला हूँ और एक तगड़ी सी आयरन आर्मी खड़ी कर दूंगा, क्योंकि ये आयरन गोलम्स हमारे कासल को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले और ये सारे मिलकर चूचू चार्ल्स को बहुत ज्यादा धोएंगे। एंड यहाँ पर हमारे आयरन गोलम्स की आर्मी एकदम रेडी हो चुकी है और लग रहे हैं ना एकदम खतरनाक से बॉडीगार्ड्स। देखने में बड़ा मजा आएगा कि आयरन गोलम्स और चूचू चार्ल्स की फाइट कैसी होने वाली है। सो चूचू चार्ल्स को रोकने के लिए ना इतने डिफेंसेस काफी रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी काम कर देता हूँ। जमीन में गड्ढे कर वहाँ पर डिस्पेंसर लगा दूंगा, जिसके अंदर हमारे फायर चार्जेस रखे होंगे और उन डिस्पेंसर के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ अपनी काफी सारी प्रेशर प्लेट, क्योंकि अगर कोई भी उस पे पैर रखेगा तो नीचे से बहुत सारे आग के गोले निकलने वाले हैं और वैसे भी चूचू चार्ल्स के पास तो बहुत सारे पैर होते हैं। खैर यहाँ पर अब मेरे को अपनी भी तो प्रोटेक्शन करनी होगी, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म रेडी कर दिया है जिसमें मेरे पास एक क्लिक में आर्मर्स आ जाएंगे और मैं एक सेकंड में इक्विप्ड हो जाऊंगा। और साथ के साथ मैंने इसके अंदर रखी एक मशीन गन, जैसे कि चूचू चार्ल्स वाले गेम में ट्रेन में लगी होती है। ये वाली मशीन गन सामने वाले आदमी को भून के रख देती है ना, एकदम झक्कास और कड़क गन। वेल गाइस जरा ये देखो मैंने कितनी ज्यादा तगड़ी प्रोटेक्शन कर रखी है कासल की। तो चलो भाई अब वेट करते हैं चूचू चार्ल्स का, क्योंकि हम तो एकदम रेडी खड़े हैं उसको पेलने के लिए। लेकिन 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 गाइस जरा देख रहे हो आप, ये ब्लेजेस मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो अच्छा है भाई अभी तक चूचू चार्ल्स आया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इन ब्लेजेस को सबसे पहले तो मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जगह पर मैं स्नो गोलम्स को स्पॉन करने वाला हूँ। ये तो अच्छा है कि यार ये चीज मेरे को पहले ही पता चल गई है, क्योंकि भाई ब्लेजेस मेरे ऊपर अटैक करके मेरे को ही मार देते। तो चलो भाई इस बार मैं सही है कि स्नो गोलम्स को स्पॉन कर रहा हूँ, ये भी अच्छा खासा ठीक ठाक अटैक कर ही देंगे चूचू चार्ल्स पे। ओके, तो मैंने चारों ही पिलर्स पर ब्लेजेस को मारकर स्नो गोलम्स को स्पॉन कर दिया और मैं ये कर ही रहा था, तभी भाई मेरे को दिखता है कि सीढ़ियों पे से चूचू चार्ल्स भागते हुए आ रहा है कासल की तरफ। ओ भाई मेरे को सच में डर भी लग रहा है कि ये चूचू चार्ल्स हम इसको मार पाएंगे या नहीं, लेकिन जो स्नो गोलम्स थे वो भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो कर ही रहे। लेकिन जैसे ही चूचू चार्ल्स का पैर पड़ता है प्रेशर प्लेट पे से, उसमें से आग के गोले निकलते हैं और साथ के साथ इसने भाई माइंस को भी छेड़ दिया है। जरा ये देखो चूचू चार्ल्स के अंदर बहुत बुरी आग लगी हुई है, लेकिन भाई ये फिर भी पिलर के ऊपर चढ़कर स्नो गोलम को मारने की कोशिश कर रहा है। जो चीज मैंने सबसे अच्छी करी है वो है ये फेंसेस भाई, इसकी वजह से चूचू चार्ल्स अंदर आ भी नहीं पा रहा है। और सबसे पहले मैं ऊपर जाकर अपने आप को इक्विप्ड कर लेता हूँ और साथ के साथ मैं भी ऊपर से चूचू चार्ल्स के ऊपर अटैक करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। और जो ये चूचू चार्ल्स है इसके अंदर बहुत ज्यादा बुरी आग लगी हुई है और जो मैंने माइंस लगाई थी भाई वो इतनी बुरी तरह फटी कि मेरी आंखों के सामने चूचू चार्ल्स की ऐसी तैसी हो गई है। इसका मतलब मैंने टेक्नो गेमर्स के कासल को भाई फाइनली बचा ही लिया है चूचू चार्ल्स से। और इस समय मेरे को सच में यार बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से चूचू चार्ल्स भागते हुए आ रहा था मेरे को एक टाइम पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इस चूचू चार्ल्स को भाई मेरे डिफेंस ने अच्छे से संभाल ही लिया है। तो भाई अब तो वीडियो पे मस्त तरीके से लाइक हो जाना चाहिए, 50,000 का लाइक ये मैं आई होप आप पूरा करवा दोगे। और हाँ सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।